राजस्थान, राजाओं का स्थान। यहाँ के महल, किले, कहानियां, सब कुछ शाही ठाठ बाट से भरा हुआ है। सोचो, हाथी, घोड़े, रेशमी कपड़े, हीरे जवाहरा। राजस्थान के राजा बहुत अमीर हुआ करते थे। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी चीजें होती थी। उनकी जिंदगी आराम और ऐश से भरी होती थी। लेकिन एक कहानी बहुत मशहूर है जो थोड़ी अजीब है। कहानी है एक रोल्स रॉयस कार की, जिसका इस्तेमाल कूड़ा उठाने के लिए होता था। क्या यह सच हो सकता है? चलो पता करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। एक बार एक अंग्रेज अफसर ने राजस्थान के एक राजा का अपमान कर दिया। यह अपमान राजा के लिए असहनीय था। गुस्से में राजा ने उस अंग्रेज को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक अनोखा तरीका सोचा। राजा ने एक नई चमचमाती रोल्स रॉयस कार खरीदी। यह कार उस समय की सबसे प्रतिष्ठित और महंगी कारों में से एक थी। यह कार उस समय दुनिया की सबसे महंगी और शानदार कारों में से एक थी। हर कोई इस कार की भव्यता से प्रभावित था। लेकिन राजा ने इस कार का इस्तेमाल सवारी करने के लिए नहीं किया। उन्होंने कुछ और ही सोचा था। उन्होंने इस कार को कूड़ा उठाने वाली गाड़ी बना दिया। हर कोई हैरान था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। लोगों का कहना था कि राजा ने अंग्रेज अफसर को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया। यह एक प्रतीकात्मक कदम था। लेकिन क्या यह कहानी सचमुच हुई थी? क्या वाकई राजा ने ऐसा किया था, या यह बस एक मनगढ़ंत कहानी है? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। इस कहानी के कई अलग अलग संस्करण हैं। कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं, जबकि कुछ इसे महज एक अफवाह समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह घटना जयपुर में हुई थी, जहां के राजा ने अपनी शान और शौकत के लिए रोल्स रॉयस खरीदी थी। तो कुछ का कहना है कि ये अलवर में हुई थी, जहां के महाराजा ने इस कार को लेकर एक अनोखा कदम उठाया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजा ने रोल्स रॉयस को कूड़ा उठाने वाली गाड़ी इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें कार पसंद नहीं आई थी, या शायद उन्होंने इसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए किया था। सच क्या है, ये कहना मुश्किल है। इस कहानी के पीछे की सच्चाई को जानना एक चुनौती है। इस कहानी का कोई ठोस सबूत नहीं है, न कोई दस्तावेज, न कोई प्रमाण, कोई तस्वीर, कोई सरकारी दस्तावेज, कुछ भी नहीं। ये सब बातें केवल कहानियों और किस्सों में ही मिलती हैं। हो सकता है कि ये कहानी लोगों ने मनोरंजन के लिए बनाई हो, या शायद ये एक सच्ची घटना हो जो समय के साथ बदल गई हो, या हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो, लेकिन समय के साथ कहानी बदलती गई। इस कहानी का असली सच शायद कभी सामने ना आ सके। हालांकि इस कहानी का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ये राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताती है। राजस्थान की धरोहर और परंपराओं में कई कहानियां छुपी हुई हैं, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। राजस्थान के राजा अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर थे। उनके महल, उनकी पोशाकें और उनके जुलूस सभी उनकी भव्यता को दर्शाते थे। वे अपनी दौलत और ताकत का प्रदर्शन करना पसंद करते थे। उनके महलों के अंदरूनी हिस्से, सिंहासन पर बैठे महाराजा और उनके परिवार के सदस्यों के गहने उनकी समृद्धि की कहानी कहते हैं। यह कहानी भले ही सच न हो, राजाओं की शक्ति और उनके गुस्से को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे वे अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यह दिखाती है कि वे कैसे अपने अपमान का बदला लेते थे। उनके योद्धा, पारंपरिक हथियार और शाही टकराव के दृश्य इस बात की गवाही देते हैं। यह कहानी लोगों को सदियों से अपनी ओर खींचती रही है। राजस्थान की लोक कथाओं और इतिहास में यह कहानी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह राजस्थान के रहस्य और आकर्षण को और बढ़ा देती है। राजस्थान के रेगिस्तान, किले और महलों की सुंदरता इस कहानी को और भी जीवंत बनाती है। इस कहानी को भी तो क्या रोल्स रॉयस से सच में कूड़ा उठाया जाता था? इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है। हो सकता है कि यह कहानी सच हो सकता है कि न हो।
लेकिन ये कहानी हमें राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा काले या सफेद नहीं होता, कभी कभी सच धुंधला होता है और कहानियां सच से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। मुझे लगता है कि ये कहानी शायद सच नहीं है। रोल्स रॉयस जैसी कीमती कार को कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन हो सकता है कि राजा ने गुस्से में ऐसा करने की धमकी दी हो, या हो सकता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए रोल्स रॉयस का इस्तेमाल किसी आम काम के लिए किया हो, जिससे लोगों को लगा कि वो कूड़ा उठा रहे हैं। जो भी हुआ हो, ये कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, और यही तो इतिहास का मजा है।